सैफ अली खान और करीना कपूर खान के छोटे बेटे की झलक देखने को फैंस बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हालांकि इस बार दोनों एक्ट्रेस ने फैसला कर लिया है कि वो अपने छोटे बेटे को लाइमलाइट से दूर रखेंगे। सारा अली खान हाल ही में करीना और सैफ के छोटे बेटे से मिलने पहुंची। सारा ने एक इंटरव्यू में उस मीटिंग और छोटे भाई को लेकर कुछ बातें बताई। सारा का कहना है कि उनका ये भाई भी तैमूर की तरह क्यूट है। एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए सारा ने भाई से मुलाकात को लेकर कहा, उसने मुझे देखा और स्माइल किया, मैं तो बस वहीं पिघल गई थी। सारा ने आगे बताया कि छोटा भाई काफ़ी क्यूट है। सारा ने यह भी कहा कि पापा सैफ के चौथे बेटे होने के बाद वो उन्हें मजाक में कहती हैं कि वो हर दशक में फादरहुड एंजॉय कर रहे हैं। सारा ने कहा, मैं पापा से कहती हूँ कि आप हर दशक में पिता बने हैं, 20, 30, 40 और अब 50 में। वो काफ़ी खुशनसीब हैं कि वो फादरहुड के चार अलग अवतार एंजॉय कर रहे हैं। सारा ने कहा कि ये बेबी करीना और सैफ की लाइफ में और खुशी और एक्साइटमेंट लेकर आया है और वो उनके लिए काफ़ी खुश हैं। जब सैफ और करीना बेटे को अस्पताल से लेकर घर आए थे तब सारा छोटे भाई के लिए गिफ्ट्स लेकर पहुंची थी। बता दें कि जब तैमूर हुआ था तब भी सारा उसकी तारीफ ही किया करती थी, यहाँ तक कि वो हर इंटरव्यू में तैमूर के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करती रहती थी। वैसे करीना ने मदर्स डे के मौके पर बेटे की फ़ोटो शेयर की थी लेकिन उन्होंने चेहरा छिपा लिया था। दरअसल तैमूर को शुरू से काफ़ी लाइमलाइट मिली है। इतना ही नहीं, तैमूर सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टार किड है। वो जहाँ जहाँ जाता पपराजी उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाते। कई बार तैमूर भी इससे परेशान हो जाते और लेकिन अब उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। यही वजह है कि करीना और सैफ ने फैसला किया कि वो अपने दूसरे बेटे को इस लाइमलाइट से दूर रखेंगे।